हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम राणी, मैं केरला से हूँ। आज की रेसिपी साउथ इंडियन खुशबू इडली का रेसिपी है। ये नॉर्मल इडली बनाती हूँ ना, उसे थोड़ा सा डिफरेंट होते खुशबू इडली का इंग्रेडिएंट्स। बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्ट बनने वाला खुशबू इडली कैसे बनाते देखते हैं। खुशबू इडली बनाने के लिए मैंने एक ग्लास को ये सारे मेजरिंग करने के लिए लिया हुआ है। इसी ग्लास से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर रहा हूँ। अभी इस ग्लास का दो ग्लास मैंने ले रहा हूँ रॉ राइस, इसे व्हाइट राइस भी बोला जाता है। आप इस राइस की जगह आप इडली राइस भी यूज कर सकते हो। अभी इसे साइड में रख देंगे। अब एक दूसरे बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे और सेम ग्लास का आधा ग्लास उड़द की दाल, अभी मैंने इससे भी साइड में रख रही हूँ। अब एक दूसरा बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। अभी इसी ग्लास का 1/4 कप मैंने ले रहा हूँ साबुदाना। साबुदाना सबको मालूम होता है ना, आपने कितना दाल लिया है उसका आधा लेना है साबुदाना। अभी इस तीनों चीजों को अच्छे से वॉश करने के बाद में 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रखना है। 4 घंटे के बाद में ये सारे अच्छे से भिगो चुका है। अभी एक मिक्सी का बड़ा वाला जार लेना है, उसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले दालों को। उसके बाद में इसके अंदर 2 आइस क्यूब्स को भी डालते हैं। आइस क्यूब्स इसलिए डालती है, ये दाल पीसे वक्त है ना मिक्सी का जार गर्म होती है, इसलिए आइस क्यूब डालने से एक गर्म नहीं होगा। उसके बाद में आधा कप पानी भी ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से एक फाइन पेस्ट बनाना है। दालों को मैंने अच्छे से पीस लिया, अभी इसे एक बाउल में डाल देंगे। अभी इसी सेम मिक्सी के अंदर चावल में से आधा चावल को डाल देंगे, उसके बाद में इसे भी एक अच्छे से फाइन पेस्ट बना देंगे। अभी चावल को भी इस दाल के अंदर डाल देंगे। अभी बाकी बचा हुआ चावल को भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसके साथ में ऐड करेंगे अपन भिगो के रखा हुआ साबुदाना को, उससे भी डालने के बाद में इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, उसके बाद में इससे भी एक अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएंगे। अभी इसी बैटर को भी अपन ये बाउल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में ना हाथ को अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद में इसे लगातार 5 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत जरूरी होते हैं, ये मिक्सिंग करने से ना अपना इडली का बैटर अच्छे से फर्मेंट होके आएगा। उसके बाद में इसे बंद करके फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। मैंने 8 घंटे फर्मेंटेशन के लिए रख रहा हूँ। आप कहाँ रहते हो वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से फर्मेंटेशन का टाइमिंग ज्यादा और कम हो सकते हो। मैं अभी 8 घंटे के लिए इसे फर्मेंटेशन के लिए रख रहा हूँ। अभी 8 घंटे हो चुका है, ये बैटर अच्छे से फर्मेंट होके आ चुका है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बैटर रेडी हो गया। अभी इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, उसके बाद में इसे अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे। अभी खुशबू इडली बनाने का बैटर रेडी हो गया, अपन इडली बनाते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने इडली बर्तन को गैस में रख दिया। अभी उसके अंदर पानी डाल के इसे उबालने के लिए रख देंगे। अभी इडली का साचा ले लेंगे, उसके अंदर थोड़ा ऑयल को डालने के बाद में ये सारे ऑयल अच्छे से स्प्रेड करेंगे, उसके बाद में इसके अंदर बैटर को डाल देंगे। उसके बाद में अपन उबला हुआ जो बर्तन है ना उसके ऊपर इसे रख देंगे। अभी दूसरे साचा को भी उसके ऊपर रखने के बाद में उससे भी बैटर डाल देंगे। उसके बाद में इसे बंद करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे। अभी 10 मिनट हो गया, आप देख सकते हो अच्छे से इडली रेडी हो गया। अभी इससे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में अपन ये बर्तन से निकाल देंगे। आप देख सकते हो कितना जल्दी ये बर्तन से अच्छे से ये निकल के आ रही है। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनाए, यकीन मानिए इतना सॉफ्ट इडली पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीका है और खुशबू इडली बनाने का। आप एक बार इस मेजरमेंट में एक बार ट्राई करके देख लो, आपका इडली भी बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफी बनेगी। अभी मैंने इसे आप एक बार है ना तोड़ के भी दिखाएंगे, आप देख सकते हो ना कितना सॉफ्ट इडली बनाए। एक बार जरूर इस रेसिपी को इसी तरीके से आप ट्राई करके देख लो, आपका इडली कभी फ्लॉप नहीं होगा।
उम्मीद करती हूँ आपको एक खुशबू इडली का रेसिपी पसंद आए होगा। पसंद आए तो नीचे दी हुई लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलना। अगली वीडियो पे एक नए सऊदी रेसिपी के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।